महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में बाकी 16 विधायकों के निलंबन का मामला सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला अपना सुनाएगा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस फैसले को सुनाएगी। शिवसेना के 16 विधायक आपको बता दें कि बागी हुए थे और इस पूरे मामले को लेकर आज फैसला आना है। शिवसेना के 16 विधायकों के बागी को लेकर यहां पर ये फैसला है और 16 विधायकों के निलंबन का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले पर अपना फैसला देगी। अब ये देखना है किस तरीके से इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है, क्योंकि ये फैसला फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत और राजनीति के अंदर उद्धव ठाकरे गुट और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिंदे के लिए भी बेहद हम कह सकते हैं जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके फेवर में आता है। क्योंकि जाहिर तौर पर 16 विधायकों के निलंबन का ये वही मामला है जिससे महाराष्ट्र की पूरी राजनीति उथल पथल जिसमें पूरी तरीके से हो गई थी। शिवसेना के 16 विधायक जिस वक्त बागी हुए थे और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा ये देखना है। 5 जजों की आज संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला देगी। सुनवाई क्या कुछ रहती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसमें देश भर की निगाहें होगी और महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं राजनीति पर भी ये फैसला, जाहिर तौर पर इस फैसले से बहुत कुछ तय होने वाला है आने वाले दिनों के लिए। आज 5 जजों की संवैधानिक पीठ, 16 विधायकों के निलंबन और बाकी होने की जो प्रक्रिया रही है उस पर अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आज पूरा रुख स्पष्ट होगा। ये देखना है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ रहता है, क्या दलीलें दी जाती हैं दोनों ही तरफ से और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है। और जाहिर तौर पर आपको बता दें कि 16 विधायकों के निलंबन का ये पूरा मामला है जिस वक्त शिवसेना के 16 विधायक बागी हुए थे और शिवसेना 2 गुटों में बट गई थी। इसके बाद आपको बता दें कि हालांकि जो अधिकार है वो शिंदे को मिला और इसके बाद मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शिंदे महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रहे हैं। अब ये देखना है कि 16 विधायकों के बागी होने की जो प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सही ठहराया जाता है, क्या गलत ठहराया जाता है, क्या कुछ उस पर फैसला रहता है ये देखना होगा। आज 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले पर अपना फैसला दे। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि 16 विधायकों के बाकी होने को लेकर, उसके बाद 16 विधायकों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आना है। और इस फैसले में आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ये फैसला देगी और इसके बाद आपको बता दें कि देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। फैसला यदि किसके फेवर में आता है तो जाहिर तौर पर ये साख का सवाल है शिवसेना के दोनों ही गुटों के लिए। और फिलहाल देखना है कि शिवसेना जब 2 गुटों में बटी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। ये बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज शिवसेना के 2 गुटों में बंटने को लेकर फैसला दिया जाएगा। फैसला 16 विधायकों के बागी होने का होगा और इसके बाद 16 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज स्पष्ट तौर पर फैसला आएगा। देखना यह है क्या कुछ फैसला रहता है और किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये स्थिति आगे देखने को मिलती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, शिवसेना के दोनों गुटों के लिए और 16 विधायक के बाकी होने की वो प्रक्रिया पूरे देश ने देखी है जिसके बाद शिवसेना 2 गुटों में बट गई। जी विशाखा, देखा जाए आज ये निर्णय न केवल इन 16 विधायकों के अयोग्यता के संदर्भ में आएगा, बल्कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और देश के सभी राज्यों में जब जब इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति पैदा होती है उसमें एक बहुत ही माइलस्टोन के रूप में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना है। जिस तरीके से 5 जजेस का बेंच ये बिठाया गया, कई मुद्दों को लेकर इसमें अहम फैसले होने हैं। राज्यपाल के अधिकार है, विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार है, जिस तरीके से कोई पार्टी के नेता अगर 20-20, 40-40 की संख्या में विधायक अलग विचारधारा में
अगर एक अलग गुट बना देते हैं तो उनके अस्तित्व के संदर्भ में ऐसे कई मुद्दों को लेकर ये फैसला राजनीतिक पूरी प्रक्रिया में एक अहम सबक जो है आज मिलने वाला है और बहुत आस लगाए हुए हैं सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं दावा कर रहे हैं कि फैसला जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का वो सबको कबूल ही होगा और उसका सम्मान ही किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो भी होगा न्याय के अधीन होगा। उद्धव ठाकरे गुट कह रहा है कि हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट के जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा। तो सबको उम्मीद है कि उन्हीं के मन के मुताबिक ये फैसला आएगा, लेकिन फैसला क्या आने वाला है ये तो अब अगले कुछ मिनटों में ही यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिये फैसला बेहद महत्वपूर्ण भी है रवि, क्योंकि अब राजनीति की अस्थिरता कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की धुरी बन चुकी है। अलग अलग राज्यों के अंदर हम देखते हैं इस तरीके की जो स्थिति है वो रही है, और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जैसी पार्टी के लिए जब ऐसी स्थिति बनी तो पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं वो सुर्खियों का विषय भी बनी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल आने वाले दिनों की महाराष्ट्र की राजनीति को तय करेगा, बल्कि अन्य राज्यों के अंदर भी जब ऐसी स्थिति होती है तो उनके लिए भी क्या कुछ होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा। बहुत सही कहा विशाखा कि जिस तरीके से ये राजनीति में उथल पुथल हो जाती है, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक गतिविधियों में कानून को कहीं ना कहीं संविधान के तत्वों को अनदेखी कर दी जाती है और कहीं ना कहीं आरोप यह लगाया जाता है कि कोई ऐसा राज्यपाल है, कोई ऐसा आयोग है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा अधिकारी है जो कि सत्ता के दबाव में आकर के फैसले कर रहे हैं। इन सारी चीजों का आज दूध का दूध पानी का पानी होना है। जिन लोगों को इसके आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां तय करनी है उनके लिए भी इनडायरेक्टली ये एक मैनुअल ही होगा कि किस तरीके से राजनीतिक गतिविधि आगे बढ़नी चाहिए। पार्टी जो है, नेता जो है, उनके लिए एक नई संहिता भी इस माध्यम से तय हो सकती है कि पिछले कुछ दिनों के बाद यह ऐसा मामला कोर्ट के सामने आया है जिस तरीके से कोर्ट ने इसमें काफी समय लिया है सोच विचार करने में, हर पहलू के बारे में सोचने के लिए। बहुत ही अहम फैसला आने वाला है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों में सभी राजनीतिक दलों के लिए जो जो लोग इस तरीके से तोड़ताड़ के जोड़ जाड़ के सरकार के बनाने में लगने वाले हैं, लगे हुए हैं, उन सभी के लिए एक बहुत रोल मॉडल के तौर पर यह फैसला देखा जाएगा। बिल्कुल रवि, और देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र के संदर्भ में तो क्या कुछ दोनों ही गुटों की तरफ से जो दलीलें हैं वो दी गई है, क्या पक्ष रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को देना है लेकिन दोनों गुटों की तरफ से अपनी अपनी बातें कही गई है। शिंदे गुट क्या कह रहा है और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? सबसे पहले बात करते हैं शिंदे गुट की। शिंदे गुट ने कोर्ट में दलील पेश की है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, हम संख्या में 40 विधायक एक अलग विचारधारा में हम आगे निकल गए, हम गुट के माध्यम से निकले, हम गुट है, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, हम शिवसेना से बाहर नहीं गए हैं। उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर राजीनामा दे दिया जी। तो राज्यपाल महोदय जी ने यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल किया। उसके बाद जो विधानमंडल में फ्लोर टेस्ट हुई उसमें हमने अपना जो बहुमत है उसको सिद्ध किया। तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का कहना था कि ये जो फ्लोर टेस्ट बुलाई गई है राज्यपाल द्वारा यह कहीं ना कहीं विशेष पार्टी को सहायता करने के लिए बुलाई गई। यही जो तर्क है वो देखना कि कोर्ट इन दोनों तर्कों में से किस तर्क को सही मानता है और क्या अपना फैसला देता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि, और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।